नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चार दिवसीय छठ महापर्व का आज चौथा दिन है। चौथे दिन है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। आप तमाम तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। हम आपको इस वीडियो में तमाम बिहार के जितने भी जिले हैं लगभग सभी जिलों से वो तस्वीरें दिखाएंगे जब उगते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रतियों के द्वारा अर्घ दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से छठ पूजा की सराबोर, छठ पूजा के उत्साह में सराबोर सभी लोग एक से एक छठ के गीतों पर घूम झूम रहे हैं। तो वहां छठ घाटों पर जो नजारा है वो आप देख पा रहे होंगे, कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही। राजधानी पटना में भी आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से ढाई बजे रात से लेकर के सुबह तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता अनुकूल है पूरी रात जो है छठ के घाटों का दौरा करते रहे, मुआयना करते रहे और देखते रहे कि कहां पर क्या व्यवस्था है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिहार के तमाम जिलों से है, पटना से है, मुजफ्फरपुर से है, भागलपुर से है, तमाम जिलों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग कल शाम को जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया उसके बाद से कुछ छठ व्रती ऐसे थे जो पूरी रात छठ घाट पर ही बिता रहे थे और कुछ छठ व्रती ऐसे थे जो अनुष्ठान के बाद वहां पूजा करने के बाद अपने घर पर जाकर घर पर ही उन्होंने छठ किया। ऐसे में गंगा घाटों पर जो लोग छठ व्रत कर रहे थे रात भर थे उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चौथा दिन है, मतलब कि छठ महापर्व के समापन का दिन है। और इस दिन जो है छठ के घाट पर जो है छठ व्रती इस प्रकार अर्घ दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पानी में खड़े हैं, कमर भर डूबे हुए पानी में लगातार है। सूर्योदय से पहले ही ये छठ व्रती पानी में समा जाते हैं और पानी में समाने के बाद भगवान सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं कि कब भगवान भास्कर दर्शन देंगे और उसके बाद उनको अर्घ अर्पित किया जाएगा। और वैसा ही हुआ, भगवान भास्कर के उगते ही लोगों ने अर्घ अर्पित किया और वहां पर प्रसाद खाने वाले लोगों की भीड़ भी जमा रहती है। ये पूजा पाठ में ही शामिल है कि जब आप सूर्य को अर्घ देंगे उसके बाद जितने भी प्रसाद खाने के लिए वहां पर लोग जुटते हैं उन सभी में प्रसाद का वितरण किया जाता है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उगते हुए भगवान सूरज को सुबह में ही राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में अर्घ दिया गया। और बिहार में इसके साथ ही छठ महापर्व का चार दिन संपन्न हो गया, यानी कि छठ महापर्व का जो कोलाहल है, जो शोरगुल है वो खत्म हो गया। छठ के गीतों से आप घाटों पर देख पा रहे होंगे किस तरह नजारा जो है वो भक्तिमय हुआ है। जहां देखो वहां छठ के गीत गूंज रहे हैं। राजधानी पटना की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, उसके साथ ही मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम जिलों की और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान भास्कर को व्रतियों के द्वारा अर्घ अर्पित किया गया है। तो छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जहां भी छठ घाट पर व्रती अर्घ दे रहे हैं वहां पर प्रसाद खाने के लिए लोगों की भी भीड़ जुटी हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद जो है छठ का वो मांग कर खाया जाता है, तो इसलिए छठ के घाट पर जो है छठ प्रसाद खाने वालों की भी भीड़ लगी हुई है, काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपको ये बयां कर रही होंगी, पूरे बिहार की हम तस्वीरें आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उगते हुए सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ दिया और कितना उत्साह और उमंग सभी में देखने को मिला। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।